इसकी फोर्थ एडिशन, और फोर्थ एडिशन में जैसे गुरप्रीत ने बताया कि हमने 2016 में शुरू किया था एक सोच से, और सब चीज़ सोच से शुरू होती है और सोच में ही ख़त्म हो सकती है, दिमाग में सब कुछ है, और यही चीज़ प्रूव हम करने की कोशिश करते हैं आज की डेट में, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, एनवायरनमेंट वाला पोल्यूशन भी नहीं, बाकी दिमागी सोच का पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर वो वैल्यू सिस्टम को दोबारा से जगाना, जो हमारी हिस्ट्री है, सुपर सिख में सिख जो वर्ड है वो सिख वैल्यू सिस्टम मैं कहूँगा कि रिस्ट्रिक्टेड है फिर भी, क्योंकि हमारी हिंदुस्तानी वैल्यू सिस्टम ही ऐसा है जिसमें हम दूसरों की सेवा, उनके सम्मान, उनकी रक्षा, ये कोई सा भी रिलीजन था जो पहले, उसमें इसी प्रकार के हमारे को कल्चर और आचरण दिया गया है, हमारे बुजुर्गों ने यही आचरण दिया है, जिसको धीरे धीरे शायद हम कहीं पे खो रहे हैं, उसको रिवाइव रखना और उसको दोबारा से बढ़ा के सबके दिमाग में उस सोच में जगाना कि ये मुमकिन है, पॉसिबल है कि हम पोल्यूशन को थोड़ी सी हवा से दूर कर सकते हैं। ये एक हवा ही है जो फैलाने की कोशिश करी जा रही है पिछले कुछ सालों से, और ये बढ़ रहा है हर साल, इस नंबर तक बढ़ के चला गया है अब की बार कि हमारे को जो वेन्यू भी चेंज करने की जरूरत पड़ गई है अब की बार, ये हर बार जो पिछले 3 साल से हो रहा था रकाबगंज गुरुद्वारे से हम शुरू करते थे वहीं पे ख़त्म करते थे, अब की बार वेन्यू चेंज हो चुका है और इंदिरा गांधी स्टेडियम, क्योंकि ज़्यादा मंदिरों को संभालने के लिए उतनी ज़्यादा जगह भी चाहिए, और मैं ये पर्सनली बड़ा खुश हूँ इस चीज़ से कि वो वेन्यू चेंज हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं एज ए सिख मुझसे कई बार सवाल होता था ये कि सुपर सिख कैसे सिख दौड़ेंगे, मुझे मैं बोलना पड़ता था, समझाना पड़ता था कि नहीं सिख दौड़ने वाला काम नहीं है, उसकी सिर्फ कॉन्सेप्ट को लिया गया है, ह्यूमैनिटी, सेक्युलरिज्म, सर्विस टुवर्ड अदर्स। आपको पता है गुरुद्वारे में 4 दरवाजे क्यों होते हैं? क्योंकि चारों तरफ से कोई भी किसी भी धर्म का, किसी भी जात का, किसी भी कास्ट, क्रीड का, रिलीजन का आ सकता है, वहाँ से हर तरीके से लोग वेलकम है। लंगर क्यों कराया जाता है? क्योंकि पहले लंगर, फिर पहले पंगत, फिर संगत, मतलब पहले आप अपनी पेट पूजा कर लीजिए, उसके बाद भगवान का नाम आसानी से लिया जा सकेगा, और लंगर में सबके सब एक ही लेवल पे बैठ के खाते हैं, इक्वालिटी। बस यही चीज़ों को हम दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू स्पोर्ट्स, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसा जरिया है जिसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। क्लासरूम में बैठ के कोई लेक्चर देगा, मेरे जैसा तो पीछे बैठ के सोएगा, उसमें किसी को समझ में नहीं आता, लेकिन जब स्पोर्ट्स में इकट्ठे होकर भागते हैं और वो जो फील आती है, और साइंस भी बोलती है कि ऐसे हॉर्मोन जनरेट होते हैं कि आप खुश महसूस करते हो, और खुशी के साथ साथ फिर जब पंजाबी ढोल बजता है साथ में तो फिर नाचने लगते हो, तो नाचते नाचते आपके 21 किलोमीटर 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर कहाँ चलेंगे पता नहीं चलता, और हेल्थ तो बनी रही है, और फौजी था मैं, फौजी हूँ और फौजी रहूँगा, तो जिसे आगे उससे मिले थे कि हमने सुपर सिख के ऊपर, मेरा भी पहला सवाल था कि आपने सिखिज्म से रिलेटेड कोई चीज़ करनी है तो मुझसे बात मत करो, क्योंकि मेरे लिए मेरा रिलीजन देश है, किसी भी फौजी का रिलीजन देश है। फिर उन्होंने मेरे को कॉन्सेप्ट समझाया तो मुझे समझ में आया कि इस कॉन्सेप्ट से अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो नेशन फर्स्ट, और नेशन के लिए जो इतने जवान, कल भी सियाचिन के ऊपर 4 जवान शहीद हुए हैं, और ये जितने शूरवीर आप देखते हैं मेरे हिसाब से तो ये चुने हुए लोग हैं, मुझे तो एक वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली थी क्योंकि मैं वॉर के दौरान मैंने अपनी टांग खोई थी, लेकिन कुछ लोग बचपन से ही चुने हुए व्यक्ति हैं, होते हैं जिनको भगवान ने भेजा ही उसी हिसाब से होता है, उनके अंदर जो शक्ति है वो शक्ति के जरिए वो ऐसा काम कर जाते हैं जो हम लोग आपस में सोच भी नहीं पाते। वही शक्ति शायद मुझे भी ऊपर वाले ने दी क्योंकि टांग के बगैर भागना शुरू किया, आसमान से कूदी भी लगा दिया हमने, और यही शक्ति है, यही शक्ति का नजरिया आप सबके अंदर है, यही फैलाने की जो एक मुहिम है सुपर सिख है, और उसमें एक कॉन्ट्रीब्यूशन है साहस का। साहस में हमने सिर्फ नाम अलग रखा है मगर ये इक्वल प्लेटफॉर्म सबको, कोशिश की उनके साथ एसोसिएट होने की, और हमें भी अपनी सोच में, हमें विजन में, हमें मिशन में एक बहुत ज़रूरी हमारा एक पार्ट रहता है हमेशा के लिए कि क्या हम भी जब कुछ बिजनेस कर रहे हैं तो हम सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं क्या साथ में, इन्वायरमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं क्या साथ में, या सिर्फ पैसे कमाना गंवाने की बात कर रहे हैं, क्या गंवाने की बात करते हैं, कमा तो नहीं रहता अच्छा, तो वो एक कॉमनलिटी करके क्या वैल्यू हमारे। मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन हूँ तो मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि स्पोर्ट्स प्रॉपर हमें व्यक्ति बनाता है, बिकॉज हमारा सिर्फ यही काम नहीं है कि
मैं जॉब पे गए तो जॉब से वापस आए घर आके खाया पिया सो गए। फिर जो स्पोर्ट्स में आपको अपने शरीर के बारे में मालूम होगा, जब स्वस्थ शरीर होगा ना तो आप जब जॉब पे भी जाओगे तो जॉब में भी इंजॉय करोगे। आपका दिल बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है, कोई बड़ी बात नहीं है कि कुछ सालों बाद आपको जल्दी सुधार सही है।